नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदेश के सभी अंचलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सागर जिले में सीएए के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई। खेल परिसर से शुरू हुई यह रैली नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें विशाल जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान लोग वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाते हुए सीएए के समर्थन में निकले। नागरिक परिषद के तत्वावधान में निकली इस रैली में शामिल हुए लोगों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से सीएए के पक्ष में प्रचार किया। इस रैली में शहर के 30 से ज्यादा संगठनों ने हिस्सा लिया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जैसे ही संशोधन करने के बाद जैसे देश में अराजकता का माहौल पैदा किया गया, इससे किसी भी भारत के नागरिक को आपत्ति नहीं है, का कोई अधिकार का हनन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको बरगला के, उन्हें झूठे डर दिखा के, झूठे खौफ दिखा के, जैसा देश में ये माहौल निर्मित किया गया है, उस माहौल के विरोध में कि ये किसी को नागरिकता किसी की छीन का नहीं बल्कि बाहर से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है, उसके समर्थन में हम सब यहाँ इस मैदान में आज आयोजन में हम लोग सम्मिलित हुए थे। सभी राष्ट्रभक्त युवा साथी आज सीएए के समर्थन में जो हमारे भारत में रह रहे बाहर से आए हुए पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिले, सभी साथियों को एक साथ लेकर, सभी समाजों को, सभी पंथों को एक साथ लेकर चलने वाले भारत की परंपरा को, वसुधैव कुटुंबकम की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी युवा साथी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस सीए को जो समझते हैं वो सब यहाँ पर है। इस सीए का जो विरोध किया जा रहा है वो विरोध अनावश्यक है, गलत है। यह किसी के नागरिकता छीनने का कार्य नहीं करता या नागरिकता देने का कार्य करता है। जब देने वाली चीज होती है तो देने वाली चीज में यह बात नहीं आनी चाहिए कि किसी को नुकसान होगा, क्योंकि कोई छीनने का काम तो किया नहीं जा रहा है। हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये भारत का विषय होता है कि हमें किसको अपने यहाँ आने देना किसको हमें नहीं आने देना। मामला सिर्फ इतना सा है, अनावश्यक तूल दिया जा रहा है। तो आज समस्त राष्ट्रवादी लोग यहाँ है सागर के, सागर जिले से समाये हुए हैं और समस्त, इसमें कोई पार्टी विशेष का मामला नहीं है, जो इसको समझते हैं, सीए को जानते हैं, सीए का समर्थन करते हैं, वो सब शांतिपूर्ण आज एक रैली निकालने जा रहे हैं कि हम सब इसके समर्थन में हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में नागरिक मंच के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। यात्रा में लोगों ने 2 किलोमीटर लंबा तिरंगा लेकर शहर में रैली निकाली और सीएए के समर्थन में नारे लगाए। ये रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची, जहां भारत माता की आरती के साथ ये रैली सम्पन्न हुई। सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं है इस समय और लोग इसके बारे में बहुत सारे भ्रांतियां फैला रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज छिंदवाड़ा में शांतिपूर्वक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा लगभग 5 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी और यह यात्रा इसलिए निकाली गई कि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है उन्हें जा करके उसके बारे में जानकारी दी गई है और एक पत्रक जिसमें की सारी जानकारी दी गई है वह बांटा गया। छिंदवाड़ा में भी आज जो है यह दशहरा मैदान से जो हमने रैली का आयोजन किया है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में समर्थन में ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने किया। पूरे जिले से कार्यकर्ता भी आए हैं और आम जन भी आए हैं और हमने जो हमारे ईसाई भाई हैं, हमारे जो पारसी भाई हैं, हमारे बौद्ध भाई हैं, हमारे जो सिख भाई हैं, सभी को इसमें हमने आमंत्रित किया है। उन सब लोगों ने इसमें सहमति दी और सबने इसमें शिरकत की। बुंदेलखंड अंचल के दमोह जिले में भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली गई। यह रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर शिरकत की गई। लोगों ने सीएए के समर्थन में नारेबाजी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएए के लिए आभार जताया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो वास्तव में बेरोजगारी में उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए एक प्रकार से वो परोक्ष रूप से संविधान को चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के कथन के बाद देश में कोई भ्रम नहीं है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद 10 जनवरी निकल गई, देश में सीएए लागू हो गया।
हम चाहते हैं कि नौजवान पीढ़ी को इन सारे दर्द भरी कहानियों का की जानकारी लगे और जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो बेनकाब हों ताकि देश में आगे और हम तेज गति के साथ सामूहिक तौर पर बढ़ सके। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।